हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अभी जो है जुम्मे की नमाज पढ़ के हम लोग निकले मस्जिद से। मेरे साथ माशाल्लाह अहदुल्ला चन्ना, अगर हाजी अहदुल्ला चन्ना, और साथ ही जो है शाहिद साहब है। इस टाइम हम लोग जो है पिंगादोस जा रहे हैं। दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं, क्योंकि 2 बजे वाली हमने जमात पढ़ी है। जिस मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी है उधर माशाल्लाह से 3 जुम्मे होते हैं। और आज माशाल्लाह इन लोगों को भी मैंने बोला, भाई आ जाओ, जुम्मा पढ़ लो, थकावट तुम्हारी दूर हो जाएगी। अभी जाएंगे हम लोग अंदर पिंगादोस के, और वहाँ से जो है हमने लेने हैं मेरे फेवरेट बिस्किट। उसके बाद हम लोग आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज? नौकरी ढूंढने। आज हम जॉब ढूंढने जा रहे हैं। शायद जो है फिर से आज काम पे नहीं किया, पता नहीं क्या। इसकी कहानी बाद में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करनी है, भाई बैंक अकाउंट ओपन करने का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो पुर्तगाल में रह रहे हैं, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आज आप लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो है अगर आप लोगों ने मस्जिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की, ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अभी चलते हैं पिंगादोस। इरमा, कौन सा बिस्किट ले रहे हो आप? तेरे को भी पता है और शायद को भी पता है, हम लोग जो है मैं भी यही बिस्किट खाऊंगा। फेवरेट बिस्किट वो, ये हराम तो नहीं है? नहीं, हलाल है। बस सही है, हराम डब रोटियां तो हम लोग खा खा के थक गए। तेरे को मैंने बताया लाल कौन सी है, वाली लेनी है। हाँ हाँ, तो ये बिस्किट ज्यादा महंगा भी है, 69 सेंट का है। मतलब पाकिस्तानी को ये हो गया 150 रुपए का, 200 रुपए। वाह वाह वाह, 200 बिस्किट भी ये मैंने खिलाया था तुम्हें उस दिन, बहुत जबरदस्त बिस्किट है। 3 ले लिए, एक हाथ का, एक शायद का, एक मेरा। आज सब्जियां चेक करते हुए, आज सब्जियों के रेट अच्छे हैं यहाँ पे? सब्जियों के रेट तो सही है, शायद का आज मेरा पेट खराब है तो मैंने बोला ये खा के चेक कर पेट सही हो जाए। गाजर से पेट ठीक हो जाता है? हाँ। गाजर शायद की तबीयत खराब है। अभी पिंगादोस से हम लोग आ चुके हैं बाहर। हमने लिए हैं 2 बिस्किट, 2 बबल आद और मैंने, और शायद की हो गई है तबीयत खराब। इससे बोले ना बिस्किट खाऊंगा ना बबल खाऊंगा और पानी पीऊंगा बस। आज इसको हुआ क्या है? बहुत नाजुक लोग हैं कराची के, सही है। हाँ, दाढ़ी चेक करो कितनी मजे की है। हाँ, अभी अभी दाढ़ी इसकी निकलना स्टार्ट हुई है। हुआ क्या है इसको यार, मसला समझ नहीं आ रहा। नमाज में भी माशाल्लाह पूरा 1 घंटा दुआ करता रहा है, और माशाल्लाह जॉब लग गई, काम पे भी नहीं जा रहा। मसला क्या हुआ है? इसका पेट का मसला है। क्या मसला है पेट का? ये जब से काम पे लगा है ना, उधर से इंटरव्यू दे गया है, तब से इसके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा फील कर रहा है? नहीं कर रहा। हमारे साथ चल लेगा जॉब वगैरह ढूंढने के लिए या नहीं? जा रहे हैं, आ जाओ। तो आज जो है आज के व्लॉग में जा रहे हैं हम जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए, और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को भी बताएंगे कि भाई जॉब्स वगैरह कैसे ढूंढनी है आपने यहाँ पे। आज तो मैंने बोले आज शर्माना नहीं है और घबराना नहीं है, हर जगह पे जाके बोलना है यो परसीज और तरबाले। यहाँ पे लड़की होगी वहाँ पे तो मैंने शर्माना ही नहीं है, पहली बात ये। हाँ, तो बाकी दूसरा जो होगा लड़का फिर उससे दूर बात करनी होगी। सही है, तुझे बोलना है यो परसीज और तरबाले। भाई मैकडोनल्ड्स में तूने 600 बार दे दिए सीवी, यार तूने कितनी सीवियाँ कराई हैं? मैंने 20। तो कितने की कराई है? 10 सेंट की एक। पाकिस्तान में कितने की होते हैं एक फोटोकॉपी? 5 की थी, अब 10 की हो गई शायद। तो आने वाले लोग पाकिस्तान से करा के आ जाए सीवियाँ? पाकिस्तान से करवा गया, लेकिन उसका फॉर्मेट होता है अलग से, वो देख लेना। ऐसे नहीं पाकिस्तान का तुम जो है ना सीवी उठा के ले आओ, वो वाली यहाँ पे नहीं चलती। जा रहे काशा बैंक। असल में सीन इस तरह है के अहद लोग जो है और शायद लोग जो है ये लोग हर जगह पे जाते रहे। अहद का भी आ गया कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस, तो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बैंक अकाउंट खुल जाता था पहले, और मैंने तो काफ़ी टाइम पहले खोला, उसके बाद अहमद का BPI में खुलवाया, उसके बाद मेरा बैंक में इंट्रैक्शन नहीं रहा। तो ये लोग घूम रहे हैं, कलेक्टिव कहते बंद था, उसके बाद BPI वगैरह काफ़ी बैंक मिलेनियम में गए। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, नोवा भी गए। नोवा भी, वो बोल रही है कि आप पाकिस्तानी और बंगालियों को ना इस ब्रांच में मना किया हुआ अकाउंट बना, मना किया हुआ। देखें ये पता है क्यों, किस वजह से अकाउंट में मना कर रहे हैं? हमारे लोग लोन लेके शार्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनका पैसा नहीं दे रहे, और जहाँ भी 2 नंबरी कर रहे हैं ना वो हमारे देसी कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा ख्याल करें, आप लोगों की 2 नंबरी की वजह से आने वाले लड़कों के लिए सख्ती हो रही है। पहले अच्छे से अच्छे बैंक में अकाउंट खुल जाता था, मिलेनियम और एक्टिवो बैंक बेहतरीन है। मेरा खुद का एक्टिवो बैंक में अकाउंट है, जब मैं आया था तब खुल जाता था अकाउंट। तो अब जो है उधर रेजिडेंस कार्ड के बगैर नहीं खोलते अकाउंट, और यहाँ पे जो है दूसरे बैंक में खोल रहे ही नहीं है। जा रहे हम काशा बैंक थे, रस्ते में आ गया सतांदर बैंक। तो मैंने इनसे पूछा तुम लोग गए हो सतांदर बैंक? बोला नहीं गए। मैंने बोला चलो यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त रिजवान का अकाउंट इसी बैंक के अंदर है, कि भाई ये खोल लें अकाउंट, ये क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सीन है, मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ। होए 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 होए, अंदर गए, लाइन लगी हुई थी, लोग ATM से पैसे निकलवा रहे थे, लेकिन हमें उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया।
क्योंकि पता चला है कि भाई 3 बजे जो है सतानदर तो क्लोज है। मैंने इनको बोला गूगल पे चेक करो काशा बैंक की क्या टाइमिंग है, तो भाई काशा बैंक भी 3 बजे क्लोज है। तो मतलब यहाँ पे बैंक जो 3 बजे क्लोज हो जाते हैं चना साहब, 3 बजे बैंक क्लोज है भाई यहाँ पे। तो बैंक वाली कहानी तो हो गई अब ख़त्म, अब यूँ ही सीधा सीधा चलते हैं डाउनटाउन एरिया की तरफ और वहाँ पे चेक करते हैं कि भाई कोई जॉब वैकेंसी वगैरह है, अप्लाई करते हैं वहाँ पे। क्योंकि मेरी छुट्टी है 2 दिन, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे इनकी जो है सीवी वगैरह ड्रॉप करवाऊँ। यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा सुकून अगर आप लोगों ने लेना है तो वो है मस्जिद के अंदर भाई, ऐसी बात है। पहला सुकून मस्जिद में, दूसरा सुकून कब्र में। कब्र वाला तो अभी हमने चेक नहीं किया पर लेकिन आज काफी दिनों बाद सुकून है, नमाज पढ़ी है मस्जिद में, इतना सुकून था दिल कर रहा था कि अब सो जाए। ये उठा ही 12 बजे, मैं क्या करूँ, 3 बजे क्लोज हो जाते सारे। मैं 10 बजे का तैयार बैठा हुआ, ये 12 बजे उठ के बोल रहे चलो बैंक निकले हैं। तो तैयार क्यों होते हैं, नोवा बैंक गए ठंडे पानी से नहाया मैंने जल्दी जल्दी। अच्छा लोगों से तो रिक्वेस्ट कर दे अगर किसी को बैंक के बारे में पता है जो अकाउंट खोल ले बता दो। हाँ सबसे रिक्वेस्ट है किसी को पता है तो बैंक अकाउंट कहाँ खुलता है तो हमें बता दीजिए। भाई अगर इजी पैसा का कोई अकाउंट खुलवा दे यहाँ पे, क्योंकि बैंक में अकाउंट नहीं खुल रहे हैं। एक बंदे ने आसरा दिया है मुझे तो वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा जब तक अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है, नहीं तो आप मेरे से पहले पहुंच जाओगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अकाउंट खुलेगा। हम लोग जा रहे हैं अगर सीधा सीधा वॉक करते जाएं तो पहले अंजोस इंतिदेन और फिर आएगा वन एंड ओनली मारती मुनीस के बाद रूसियो और वहाँ आगे जाके जो है। मैं जब पाकिस्तान में था मुझे पुर्तगाल लिस्बन का कुछ भी नहीं पता था, मेरे खाली एक मारती मुनीस पता था। क्यों कैसे पता था, जिसको देखो मारती मुनीस कोई चीज ले ली है मारती मुनीस, खाना खाना है मारती मुनीस। जब भी कॉल करे हमारे को तो अली और मैं मारती मुनीस में ही खाना खा रहे होते थे। बट यार वहाँ पे मारती मुनीस अब हमने जाना इसलिए बंद कर दिया खाने पीने के लिए। हकीकत बात बताऊँ वहाँ 2 पाकिस्तानी 3 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, 2-3 वहाँ पे हम खाना वाना खाते थे, लेकिन ना लोगों का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, ये अपना असूल है लाइफ का। शायद पहली सी भी चली गई। हाँ आज पुर्तगाल में पहली सी भी आपने ड्रॉप कर दी है माशाल्लाह, कैसी फीलिंग हो रही है आपकी? यार फीलिंग क्या होनी है उससे मैंने पूछा क्या आप कौन थे लोग कौन थे बताओ थोड़ा सा। मैंने उससे पूछा आप इंडियन हो बोलते हैं लोग नेपाल हिंदी बोलता है यस बस मेरे को जॉब की नीड है तो आपके पास जगह है तो बोल रहे मेरा बॉस नहीं है अभी और जगह तो नहीं है वैसे आप मुझे अपनी सीवी दे दो तो मैं अपने बॉस सब पहुँचा दूँगा वैसा अगर आप डिलीवर कर दो तो अच्छी बात है तो सीवी दे दो सीवी चलो चलो जबरदस्त हो गया। लेट सी अभी जो है पहली सीवी ड्रॉप हुई है, ऐसे ही जितने जितने सीवी ड्रॉप करेंगे आप लोगों को बताएंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आप लोगों को पता चलेगा ये जो था इंसिडेंट पे रेस्टोरेंट बना हुआ था, पुर्तगीज और नेपाली लड़के उधर काम कर रहे थे बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पहले इधर ड्रॉप किया सीवी। पीछे एक और रेस्टोरेंट पे मैंने हाथ को भेजा, मैंने बोला हाथ जा अंदर पता कर जॉब वैकेंसी वगैरह है, तो एक बांग्लादेशी भाई था तो आज तूने उसको क्या बोला? ये भी नहीं बोला सीवी दे दो। हाँ कम से कम ये तो बोलना चाहिए यार कि सीवी ड्रॉप कर दो। लोग असल में डरते हैं, बोलते हैं कि शायद ये सीवी दे देगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो भाई इस तरह नहीं करो। अगर बंदा सीवी ड्रॉप करने आए कम से कम सीवी ले के रख लो आप उसकी, बाकी उसका अपना नसीब है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आगे सीवी पहुँचाने नहीं देते ताकि नया बंदा नहीं आए और अपनी फैमिली को ही हम लोग अंदर सर्कल में डालते रहें, ऐसा ही है। तो बट कोई नहीं, नेवर गिव अप, एक ड्रॉप हो गई है इंशाल्लाह अभी आगे जा रहे हैं तो ना हिम्मत हारने वाले हैं ना दोस्तों को बोलते हैं कि आप हिम्मत हारो, इंशाल्लाह ट्राई करते रहेंगे। अभी जो है एक और रास्ते में हम लोग जा रहे थे, पुर्तगीज रेस्टोरेंट मेरे को नज़र आया तो मैंने जो है ये जोसफिन करके नाम है उसका तो मैंने हाथ को भेजा उधर, मैंने बोला हाथ तूने जाना है उसको बोलना है हेलो हाउ आर यू या पूछना है मैनेजर कौन है। तो अच्छी बात है अगर आप मैनेजर को सीवी दे दें तो अगर तेरे को लगे कि वो इंग्लिश में रिस्पांस दे रहे हैं तो तूने उनसे इंग्लिश में बात करनी है, अगर नहीं दे रहे तो उनको बोलना है यो परसीजो तरबालियो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा थोड़ा सा पुर्तगीज़ में बोल रहे हैं। अभी लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। हाथ गया अंदर और सीवी मांग ली उन्होंने, देखें तो ये रहा हाथ
सीवी मांग लिया, सीवी लेके जा रहा है शायद से, और अभी सीवी देकर आएगा। तो इसी तरह जो है कोशिश करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जो है जॉब के वसाइल पैदा होते रहेंगे, नेवर गिव अप। पहले वो उस वाले रेस्टोरेंट में आज ने सीवी ड्रॉप की है, अब मैंने उसको बोला इधर भी चला जा पालमा रेस्टोरेंट में, तो अभी इधर गया सीवी ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो है असल में 3 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट फील्ड में रहता हूँ तो होता है कम मूवमेंट होती है काम में, तो इसलिए अगर रश ना भी नज़र आए तो आप लोग जो है किसी ना किसी रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करें। और अभी इधर गया, मैंने उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाया, मैंने बोला डरना नहीं है, ट्राई करना है, ट्राई करने से चीज़ें मिलेंगी, ट्राई नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे अब मिलेंगी। तो वहाँ दिए पालमा वालों ने क्या बोला तेरे को? यार ये कह रहे हैं कि ना मैं यहाँ पे तो जगह नहीं है। हाँ, और ईमेल एड्रेस मुझे बताया, कार्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, कार्ड दिया तेरे को? बोले इस पे मेल कर दो, ये 10 रेस्टोरेंट हैं लिस्बन में, ब्रांचेस। हाँ, जहाँ पे जगह होगी आपको कॉल कर लेंगे। चलो कोई नहीं, बेस्ट बेटर लक है, अभी चलते हैं आगे। ये रेस्टोरेंट है, इधर भी देखते हैं क्या सिस्टम है। अभी एक और पीछे रेस्टोरेंट है, और इधर गए थे, फिलिनी नाम है इसका रेस्टोरेंट का, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन काम बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलिनी रेस्टोरेंट ने आज को बोला है कि अभी जगह फुल है। तो बारकाबेला रेस्टोरेंट, तो इधर जो है मैंने अभी आज को भेजा है, मैंने बोला बात कर, तो आई थिंक चाइनीज रेस्टोरेंट है, क्या बोल रहे थे आप? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते जो है अभी मारुति मुनीस क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और तकरीबन 2 सीवियाँ भी गई हैं, और 5 से 6 जगह पे हम लोगों ने ट्राई किया है। अभी जो है हम लोग इधर एक मरकादो ओरिएंटल मारुति मुनीस, ये नाम है इसका, इधर आए थे, अंदर एक काफ़ी बड़ा सा ये बना हुआ है मॉल टाइप का शॉप, इधर डिफरेंट जो है रेस्टोरेंट बने हुए थे चाइनीज़ कुजीन के और एशियन फूड के, बट उनसे भी पता किया तो उनके पास भी कोई जॉब वैकेंसी अभी नहीं है। अभी याद को मैंने जो है क्लेन रेस्टोरेंट में भेजा है, क्योंकि यहाँ ऊपर ही जो है होटल मुंडियाल बना हुआ है, तकरीबन 4 किलोमीटर वॉक कर चुके हैं हम लोग, और अभी जो है आहद सीवी लेके जा रहे देने के लिए। ये ऊपर जो है होटल मुंडियाल बना हुआ है, नीचे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, सीवी देने जा रहे याद। आज ये क्लेन रेस्टोरेंट में आप देकर आए हो सीवी, आपकी सीवी ले लिया उन्होंने, क्या सवाल हुए ताकि लोगों को भी ऐसा पता चलता रहे ना क्या बोल रहे हैं। हमें जो है ना बोला तुझे पुर्तगीज बोलने आती है, इंग्लिश में मेरे से पूछा, मैंने लिटिल पुर्तगीज बोलता है, तो मेरे से पुर्तगीज में सवाल किया, आई थिंक ये पूछा कि तुझे पुर्तगीज आती है बोलने, तो मैंने पोको पुर्तगीज मतलब लिटिल पुर्तगीज आती है। हाँ। तो बोलता है ओके वी विल कॉन्टेक्ट इफ देयर इज स्पेस ऑन। चलो मतलब देखने वाले लोग ये समझ लें कि भाई पुर्तगीज लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख कर आओ, थोड़ी बहुत कम से कम सीख कर ज़रूर आओ। तो अभी जो है रूसियो पहुंच चुके हैं भाई, फाइनली शाहिद चला गया है घर, बोल रहा था मेरी हो रही है तबीयत खराब, तो आप रक्षा चेक करें कैसा खूबसूरत है रूसियो। आज ये चल रहा है फेस्टिवल। अच्छा। हाँ फेस्टिवल नहीं मतलब जैसे स्टॉल वगैरह लगाए होते हैं लोगों ने टूरिस्ट के लिए चीजें वगैरह दे, ये रूसियो है, छोटे छोटे स्टॉल लगाए हैं, कहीं फूड का स्टॉल है, कहीं चीज़ें लेने का स्टॉल है, कहीं खाने पीने का स्टॉल है, खूबसूरत लाइटिंग आप देखें, ये स्टॉल लगे हुए हैं, बैग है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ें। हमारे को टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे को जाना है सीवियाँ देने के लिए, क्योंकि मेरा आज ऑफ है, तो मैंने आज को बोला 3-4 घंटे हम सीवियाँ देंगे, उसके बाद मैंने 2-3 काम करने हैं, उसके बाद रात में कोशिश करेंगे अगर कहीं गए तो वहाँ भी सीवियाँ ड्रॉप करेंगे। ये देखें आप भाई, ये चिंची रक्षों का स्टॉप है, रक्षे ही रक्षे नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को यहाँ से, वो वहाँ से तादनी का रक्षे स्टार्ट हैं, वो वहाँ तक। रूसियों के बिल्कुल सामने जो है रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, एक वो सामने बना हुआ है रेस्टोरेंट, और ये होटल फिगोरा लिस्बोआ इधर बना हुआ है, ये रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है, माय स्टोरी होटल फिगोरा। अभी जो है इधर भेजा मैंने आज को, वो भी साथ बना हुआ है, मैंने बोला इधर जाके पता कर इधर जो है वैकेंसी है जॉब की नहीं है, बात कर रहे हैं अंदर और सीवी ड्रॉप कर रहा है, आप लोग देखें सीवी दे रहे हैं अंदर। पीछे हम लोगों ने एक गुरु से बात की सामने रेस्टोरेंट में सीवी के हवाले से, तो वो ये बोल रहा था कि अब जो है सीज़न ख़त्म हो गया,
हमारे पास जॉब वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो बाहर जो सिटिंग एरिया है वो वाले लोग भी अंदर बैठ रहे हैं, तो हमें स्टाफ कम चाहिए। तो देखने वाले दोस्तों को ये बताऊं कि अभी आगे जाकर सीज़न ऑफ हो रहा है, इसीलिए अभी कोशिश करनी है इंशाल्लाह मेरे दोस्तों का भी काम लग जाए और आप लोगों का भी जो भी लोग हैं सबका काम लग जाए इंशाल्लाह। दम पिज़्ज़ा स्पैगेटी, तो ये जो रेस्टोरेंट है सेम मेरे काम से रिलेटेड है, पिज़्ज़े का और स्पैगेटी का काम। और ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये सामने पूरी स्ट्रीट पे डिफरेंट रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और अभी यहाँ इधर गया, सीवी ड्रॉप करके आ गया, और ये अच्छा सिस्टम है पिज़्ज़ा और स्पैगेटी का सिस्टम है। अगर इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं तो मैं गाइड कर दूँगा इसको, क्योंकि सारा काम मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। और ले लिया आज सीवी, चलो अल्लाह पाक बेहतर करेगा बाकी। तो ये पूरी स्ट्रीट पर एक ही जो रेस्टोरेंट है उसने सीवी एक्सेप्ट की है, बाकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फुल है ऑलरेडी, और काफ़ी ज़्यादा ने जो है वो सीवी ली नहीं है, मतलब उन्होंने बोला स्टाफ फुल है और किसी को अभी नीड नहीं है। तो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलने के बाद जो है दूसरी गली के अंदर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे जो है ट्राई करते हैं। वहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं और एक दो तीन चार रेस्टोरेंट पर ट्राई करने के बाद जो है मैंने हाथ को इधर एक पेस्टी की शॉप है, पेस्टी दिनाता की, इधर भेजा और मेरे को बोला यार केक का काम है। मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट किसी चीज़ में काम नहीं मिल रहा तो कम से कम डिशवॉशर का काम ही मिल जाएगा, तो काम स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने भी जो है डिशवॉशर से स्टार्ट किया था पुर्तगाल के अंदर। तो अभी अंदर भेजा है क्योंकि देसी लड़के और भी लगे हुए हैं, तो अगर किसी जगह पे देसियों की अच्छा इमेज हो और गोराब की सीवी ले ले और देसियों का अच्छा इमेज हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। उस रेस्टोरेंट में फैब्रिका में तो स्टाफ फुल याद बता रहा है, और काजा ब्राज़ीलेरा में सेम आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं भी सीवी देने आया था, मैंने हाथ को अंदर भेजा काजा ब्राज़ीलेरा में, मैंने बोला तू भी सीवी देकर आ। काजा ब्राज़ीलेरा भी फुल है और वो दूसरा जो है रेस्टोरेंट वो भी फुल है, बट देखते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कुज़ीना बना हुआ है, एल शादो कुकेना लतीनो, लतीनो रेस्टोरेंट है स्पेनियल, और उसमें जो है सीवी दी है। और इस रेस्टोरेंट में जो है आज जब अंदर गया है तो वो लड़का था वो बोलता है कि एक इंडियानो आया है सीवी देने के लिए, तो मैंने उससे पुर्तगीज़ में बात की, मैंने बोला इंडियानो नहीं है मेरा अमीगो है पाकिस्तान से, और मैं उससे पुर्तगीज़ में बात करने लग गया। बोलता है तुझे काम क्यों नहीं चाहिए, तू पुर्तगीज़ अच्छी बोल रहा है। मैंने बोला मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मेरे को भाई को काम चाहिए। और कितने लोग काम कर रहे हैं देसी, उसने बताया पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी है, हमारा जो कुजीना है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि जॉब अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, बोला उसको बोला जिरन को सीवी दे, मैंने बोला दे दिया जिरन को सीवी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, अभी जो है वो हिस्सा हो गया हमारा कम्प्लीट और हम लोग जो है अब आगे की तरफ निकलते हैं। आगे जो है अब इधर भी बने हुए रेस्टोरेंट और ट्राई करते हैं। अभी जो है आज एक और जगह पर सीवी ड्रॉप कर रहा है, और ये भी एक रेस्टोरेंट है कोंचा दी ओरो रेस्टोरेंट, सारा सी फूड है इधर। ले लिया आज सीवी। अभी रेस्टोरेंट का नाम है तपास एंड फ्रेंड्स पुलिस। हाँ सीवी ले लिए, कौन थे देसी थे पुर्तगीज। अभी जो है पिंक डाउनटाउन एरिया की ये स्ट्रीट है, सीधा जो डाउनटाउन एरिया पर जाती है, यहाँ पे भी काफ़ी सीवियाँ दे दी। अभी ये कैफे मारिया ब्लाची रे लेरो, नाम भी बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ भेजा है, मैंने बोला यहाँ पे सीवी दे करा, क्योंकि अभी कुछ ही रेस्टोरेंट रह गए और इधर जितने भी हैं सब पे कोशिश करेंगे सीवी देने की यार। अभी जो है याद ने यहाँ भी सीवी ड्रॉप कर दिया। अभी पुर्तगीज ट्रेडिशनल पेस्ट्री जो है ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो है आ गया है सीवी देने के लिए। मेरे से बोल रहा था इधर ट्राई मारूं नहीं मारूं, मैंने बोला भाई अपनी तरफ से 100% हर जगह पे दो, कहीं भी हो सकता है जॉब का निज़ाम बन जाए। क्या बोला क्या बोला, बोला कि इस ईमेल पे जो है ना सीवी अपनी सेंड कर, ये 2-स्टार होटल भी है। हाँ तो ये सारी ईमेल तू संभाल कर रख, सब जगह पे तूने सीवी ड्रॉप भी करनी है, सही है। अभी ये इस रेस्टोरेंट में देते हैं फिर दूसरी साइड पर चलते हैं। टाइम वही हुआ, इस रेस्टोरेंट में मैं आया था देने के लिए, इन्होंने मेरे को भी मेरी भी सीवी नहीं एक्सेप्ट की थी, आज हाथ की भी सीवी एक्सेप्ट नहीं की। तो अभी ये दूसरी तरफ रेस्टोरेंट बने हुए, मैंने हाथ को बोला इधर जा,
इधर भी ट्राई मार। फिर यहाँ से होने के बाद वो ये गली छोड़ के दूसरी गली में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ग्रिल एंड कंपनी रेस्टोरेंट है। मैंने हाथ को बोला इधर जाओ अंदर, इधर पूछो उनसे, क्योंकि देसी लड़के खड़े हुए थे। मैंने बोला किसी ना किसी को बोलो कि जॉब अपॉर्चुनिटी है कोई। अच्छा एक और चीज़ है, आज मेरे को बोल रहा है तूने मेरे को ये तो सिखा दिया कि बोलना है यो प्रोसीजर तरबा लियो। वो मेरे से कोई सीवी मांग लेता है, कोई आगे पुर्तगीज में सवाल जवाब करने लग जाता है, तो मेरे को पता नहीं चलता कि किस तरह का जो है मतलब जवाब देना है। तो बोल रहा है मेरे से वो सवाल जवाब कर रहे थे और फिर मेरे को इशारे कर रहे थे, मैंने सीवी पकड़ा दी। क्या बोल रहा है? नहीं है प्रॉब्लम, नहीं है, इधर आगे चलते हैं। नहीं तो वो तो बता जो तू जाके बोलते है यो प्रोसीजर तरबा लियो, आगे से वो पुर्तगीज में क्या बोलते हैं? उसने पता नहीं क्या बोला, यूं इशारा समझ आया मेरे को, मैं समझ गया सीवी मांग रहे थे, मैंने सीवी दे दी। नहीं आज यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, फिर ना हम लोग टेक अवेज की तरफ जाएंगे, जो डिफरेंट शॉपिंग मॉल के अंदर टेक अवे बने हुए ना उधर जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। कासा पुर्तगीज दो पेस्टिल दी बलकाऊ, बलकाऊ मछली को है और ये पुर्तगीज रेस्टोरेंट है। अच्छा अब जो है ना ज्यादातर लोग पुर्तगीज पूछ रहे हैं सब। हाँ, ना पुर्तगीज का पूछ ये क्या बोल रहा है, इसने पेपर दिया है, ऑनलाइन अप्लाई करो, उधर जाके जो है अप्लाई करो। अच्छा ज्यादातर लोग अब पुर्तगीज बोल रहे हैं, देखने वाले लोग मतलब पुर्तगीज सीख कर आए हैं। तो ये सामने वाले को भी तो दे देते हैं, इधर इधर इधर। एक तो यार इधर नशे वालों ने बहुत तंग करा हुआ है, बोल रहे हैं ये ले लो वो ले लो, हम बोल रहे हैं काम ढूंढने निकले हैं, बोल रहे हैं आशीष ले लो। ऐसा ही है, मैंने बोला मैं अपने दोस्त के लिए काम ढूंढने के लिए निकला हूँ, तो मेरे को बोल रहा है कि भाई उसको बोला हमारे साथ काम करे, 7 दिन काम करे 350 यूरो देंगे। मैंने कल करना क्या, बोले नशा बेचना है। मैंने बोला भाई हम ये करने थोड़ी हैं यूरोप। तो अभी जो है इधर गया था आज, इन्होंने भी जो है वो मना कर दिया। आज उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ आगे रेस्टोरेंट में चलते हैं, ट्राई करते हैं वहाँ पर। सुबह सुबह के टाइम जो है, सुबह सुबह तो नहीं दोपहर हो रही है आई थिंक, मेरे ख्याल से 4-5, 4:30 बज रहे हैं। तो यहाँ भी ट्राई करते हैं, ये तनुकी सुशी रेस्टोरेंट है, माई स्टोरी चार्मिंग होटल, ऊपर होटल बना हुआ है नीचे रेस्टोरेंट है। इधर गया आज इनका ये सिटिंग एरिया है। तो अभी जो है ये स्ट्रीट भी कम्प्लीट हो गई है, ये आखिरी रेस्टोरेंट है, तो इसके बाद जो है फिर स्ट्रीट चेंज करते हैं। आज अंदर दो चीज़ें, एक होटल बना हुआ है और एक रेस्टोरेंट है। हाँ दोनों पे दे, सीवी ले ली है। हाँ, चेक कर। देसी बहुत ज़्यादा हैं और रिक्शे ये जा रहे हैं, मतलब इधर पूरी स्ट्रीट क्लियर हो गई है। ये है ग्लेटेरिया ला रोमाना, इस रेस्टोरेंट में जो है हाथ को मैंने भेजा है और मैंने बोला कि अभी ये लाइन और ये रेस्टोरेंट कवर करते हैं। अच्छा पुर्तगीज लोगों में एक और ख़ास बात है, अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह पर ही होते हैं, लेकिन अगर उनके पास वैकेंसी ना हो ना, जैसे अभी हम लोग आज उधर रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में वैकेंसी नहीं थी, उसने बोला ये सामने जो रेस्टोरेंट है ये अभी नया ओपन हो रहा है आप वहाँ चले जाओ, और इत्तेफाक से वो भी पिज़्ज़े पास्ते का ही रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर जो है वैकेंसी हो सकता है। लड़की ने बोला कि आपके पास सीवी, आज ने सीवी दे दी और उसके बाद हम वहाँ से आ गए। कम से कम डायरेक्शन दिखा दो भाई एक दूसरे को, और आई होप देसियों के अंदर भी आदत पैदा हो जाए कि डायरेक्शन सिर्फ दिखा दो आप एक दूसरे को कि यहाँ पे नहीं है काम, वहाँ पे काम है, तो हम लोग अपनी देसी कम्युनिटी की हेल्प कर सकेंगे। तो अभी ये वीडियो जो बन रही है ना, इसमें हम ख़ुद भी ट्राई कर रहे हैं आज के लिए, और बाकी जो है आप लोगों को सारी मूवमेंट नज़र आ रही होगी जगहों की, रेस्टोरेंट वगैरह की, सब कुछ आप लोग ख़ुद भी उधर ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली आज घूम फिर के हम लोग अब समंदर के पास आ चुके हैं। हाँ यार काफी देर से चल भी रहे हैं, घर से चलते हुए आए हैं यहाँ पे। 5 किलोमीटर चल चुके हैं, मैंने वॉच अच्छा, में बता रहा था। तेरी आज को मैंने बोला यहाँ भी जा, आखिरी रेस्टोरेंट है इस चौराहे का, यहाँ पे भी जो है ट्राई मार लेके काम है या नहीं है। आज साथ साथ जो है काम भी तलाश हो रहे हो, साथ साथ जो है ट्रैवलिंग भी चल रही है काम के साथ साथ, बहुत रश है यहाँ पे। बोरियत महसूस नहीं हो रही काम ढूंढने के साथ साथ, साथ में रौनक मेला भी जो है इंजॉय कर रहे हैं, और
ये डाउनटाउन एरिया, यहाँ पे हर टाइम चहल कदमी है। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, कुतिया ने जो है बच्चे दिए हैं और इसने जो है कैप रखी हुई है यहाँ पे, उससे भी जो है पैसे कमा रहा है। आज देखा तूने कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ सॉन्ग चल रहे हैं। अभी हम लोग इधर अंदर आ चुके थे, वो उधर पहले रेस्टोरेंट में हमने सीवी ड्रॉप की, उसके बाद यहाँ ड्रॉप की है। पहले रेस्टोरेंट वाले लड़के ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और अंगोला से था लड़का, उसने सीवी लिए, और सीवी लेने के बाद उसने बोला कि मेरा बॉस आता है, आप किचन में काम करना पसंद करेंगे। आज से पूछा तुम पुर्तगीज बोलते हो, आज ने बोला थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल पोको पोको, आज को बोला किचन में काम करना प्रीफर करोगे या फिर साला में। आज ने बोला किसी में भी, मैंने उसको समझाया, मैंने बोला साला में जो है स्पीक ज़्यादा चाहिए होता है, प्रीफर किचन के, साला में इंट्रेक्शन करना है लोगों के साथ, लैंग्वेज ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसको मैंने बोला ईमेल और नंबर ये आद का है सीवी पे, आप इस पे रिस्पॉन्स कर लेना। उसके बाद हम दूसरे रेस्टोरेंट में गए, वहाँ भी हमने सीवी ड्रॉप किया। अभी ये मिनिस्टीरियम है, यहाँ पे गया है, क्या बोल रहे हैं, रेस्टोरेंट डाउन, मतलब कि रेस्टोरेंट खसारे में जा रहा है। आज ये रेस्टोरेंट से निकले हो, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ईमेल दिए कि वहाँ पे सीवी सेंड कर दो, और पूछ रही थी लड़की के, तो इस पे एक पुर्तगीज वाला पोको पोको पुर्तगीज। इस साइड हो गई है फुल, और यहाँ पे जो है चार सीवियाँ ड्रॉप की हैं। एक लड़का तो एंड में बोल रहा था काम नहीं है, मैंने बोला आप सीवी ले लो, जब जॉब अपॉर्चुनिटी हो कम से कम एचआर तक पहुंचा देना। तो अब जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं इस साइड पे, और ये है बाया दो पिसा, ऐसे कुछ रेस्टोरेंट का नाम है, 1, 2, 3 बने हुए हैं। रेस्टोरेंट इटालियानो, और बहुत अच्छा है ये रेस्टोरेंट इटालियानो। इसमें जो है अभी सीवी ड्रॉप की आज की, मैंने लड़की से पुर्तगीज में बात करके उसको सीवी दे दिए, और अभी जो है आहत जो है वो गया है वॉशरूम, और पूछा उससे कि भाई काजादी भाई यूज़ कर सकते हैं, उसने बोला, लड़की ने बोला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी आहत आता है तो फिर यहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट थे वहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट में सीवी दी है, और उन्होंने बाकियों ने ली नहीं है। और ये बना हुआ है RIB बीफ एंड वाइन, ये रेस्टोरेंट जो है इधर गया है आहत और सीवी ड्रॉप करने के लिए। पीछे एक कॉफ़ी शॉप पे आद ने सीवी दी, उसने बोला कि हमारी इस ब्रांच में तो नहीं, दूसरी ब्रांच में शायद वैकेंसी अवेलेबल है। तो क्या बोला था, जबान वगैरह का तो नहीं बोल रहा था नहीं। तो अभी वहाँ पे उसने एड्रेस दिया है, वो गूगल पे डाला है, तो लोकेशन पे जो है हम लोग जा रहे हैं। अभी इस एरिया में हम लोग चलते चलते जा रहे थे कैश उधर की तरफ, तो लाइन से इधर भी रेस्टोरेंट बने हुए। आहद ने इधर भी बोला ट्राई कर लेते हैं सीवी वगैरह देने के लिए, क्या बोल रहे हैं, क्या जॉब नहीं है इनके पास, सारे बुड्ढे। चलते हम लोग आ गए हैं पिंक स्ट्रीट। इस टाइम पिंक स्ट्रीट देखें आप, बिल्कुल खाली और वीरान पड़ी हुई है, और यहाँ से ही जो है ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है जहाँ हमारे को जाना है। लिवरपूल जा गुजरते गुजरते मैंने आज को बोला पिंक स्ट्रीट पे जो है वो सीवी ड्रॉप कर दे, और आज जो है क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नो सॉरी, रेस्टोरेंट साइड पे एक रेस्टोरेंट है, इधर जो है सीवी ड्रॉप कर दी है, और अब जो है यहाँ से वो जो लोकेशन है कैफ़े की वो ओपन कर लें, वहाँ चलें, ताकि जो है वहाँ पर सीवी ड्रॉप करके चलें। और काफ़ी जो है आज जगह पे सीवी दे दिए। तो अभी भाई बहुत ऊंचाई पे जो है वो रेस्टोरेंट कैफ़े बना हुआ है। अभी जो है भाई हम आ गए मैकडोनल्ड्स, और आहद साहब ने आखिरी सीवी जो ड्रॉप की है वो की है मैकडोनल्ड्स के अंदर। 5 घंटे बाद बैठा हूँ। आहद कितनी सीवियाँ लेकर आया था, 20 लाया था, और अभी कितनी रह गई हैं, एक भी नहीं, सारी चली गई हैं। हाँ। मतलब आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ने 20 सीवियाँ ड्रॉप कर दी हैं। अब लग गई है भूख, क्योंकि मैं उठा था और मैं नहा के जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चला गया, उसके बाद मैं पिंगा दोस्त से हमने बिस्किट वगैरह लिए, खाना वाना कुछ नहीं खाया था, तो मैकडोनल्ड्स में सीवी ड्रॉप किया, मैंने बोला मैकडोनल्ड्स ले लेते हैं। और उसके बाद जो है अभी तकरीबन 6 बज चुके हैं, और अभी ये मैकडोनल्ड्स खाने के बाद हम लोग यहाँ से जो है डायरेक्ट घर जाएंगे। तो आज के दिन 20 सीवियाँ ड्रॉप की हम लोगों ने, और इन 20 सीवियों में जो है डिफरेंट जगह पे रिफ्यूज़ल भी हुआ, मतलब
सीवी नहीं ली उन्होंने, कुछ जगह पे जॉब वैकेंसी नहीं थी, कुछ जगह पे उनको पुर्तगीज बोलने वाले लोग चाहिए थे, तो आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है पुर्तगीज लैंग्वेज सीख कर रहे हैं। तो आज थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है कैसे सीवियाँ देनी है अब? हाँ इजी है, कोई इशू नहीं है, सीवी काम देखने जा रहा है, भीख मांगने नहीं जा रहा है। हाँ तो बंदे को शर्माना नहीं चाहिए, बाकी जो है इंशाल्लाह जहाँ पे नसीब होगा वहाँ पे लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैकडोनल्ड्स की लड़की ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।